हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यूनिवर्सिटी स्पेशल में। आज इस सीरीज के पांचवें एपिसोड में हम बात करेंगे जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की पढ़ाई के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हालिया दिनों में करियर के लिहाज से मीडिया को एक बेहतर इंडस्ट्री माना गया है। हालांकि मीडिया की चकाचौंध और एक चमत्कारी छवि के कारण बहुत से लोग या तो सिर्फ एंकर बनना चाहते हैं या रिपोर्टर, लेकिन मीडिया में सिर्फ एंकर और रिपोर्टर ही नहीं होते बल्कि और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटर से लेकर कैमरा पर्सन तक, मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर से लेकर असाइनमेंट डेस्क तक, रेडियो अनाउंसर से लेकर अखबार का डिज़ाइन तय करने वाले तक, यहाँ तक कि अखबार बांटने वाले हॉकर्स भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में मीडिया के व्यापक स्वरूप को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप मीडिया की पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मीडिया कितनी तरह का होता है। मोटे तौर पर मीडिया के पांच प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर है टीवी मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे आप टीवी जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर है रेडियो, जैसे आकाशवाणी। और तीसरे नंबर पर है वेब जर्नलिज्म, जिसे डिजिटल मीडिया जैसे वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ ऐप्स वगैरह आज के दिन देखे जाते हैं। चौथे नंबर पर है प्रिंट मीडिया, जैसे अखबार और मैगजीन, जो कि प्रिंट की फॉर्म में मीडिया का काम करते हैं। और पाँचवें नंबर पर है फोटो जर्नलिज्म। इन पाँच तरह की मीडिया में करियर बनाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, यानी आपको इनके लिए मीडिया की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही अमूमन सभी तरह की मीडिया के बारे में कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। पहले हम बात करते हैं पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की, और उसके बाद हम जानेंगे पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। पुरानी शिक्षा नीति के लिहाज से 12वीं के बाद पत्रकारिता में ग्रेजुएशन यानी स्नातक का कोर्स करने के लिए 3 साल की मियाद है। नई शिक्षा नीति में हालांकि इसे 4 साल करने का प्रस्ताव है। आप 12वीं के बाद मीडिया की पढ़ाई के लिए BA विद जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म, BA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे BJMC कहते हैं, BA इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, BA इन स्क्रिप्ट राइटिंग, BSc इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग, बैचलर इन मीडिया साइंस जैसे ग्रेजुएट कोर्सेज में से कोई कोर्स चुन सकते हैं। इन कोर्सेज में अमूमन टीवी मीडिया, रेडियो, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी तरह के मीडिया में जा सकते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे तो सिर्फ एंकर बनना था तो BJMC के बाद बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। आप बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चाहे आपने आर्ट्स में पढ़ाई की हो, चाहे कॉमर्स में, या फिर साइंस साइड से 12th की परीक्षा पास की हो, आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 12वीं के अंकों के आधार पर ही एडमिशन लिया जाता है, लेकिन कुछ संस्थान लिखित परीक्षा भी कराते हैं। ये जानकारी आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ से आप पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आपने जर्नलिज्म में बैचलर्स डिग्री हासिल कर ली है तो अब आप मीडिया के किसी भी खास विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप मास कम्युनिकेशन में ही MA भी कर सकते हैं। जैसे देश का नंबर वन मीडिया स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग जैसे विषयों में PG डिप्लोमा कराता है। अगर आपने पत्रकारिता में BA नहीं की है, यानी आप किसी और विषय में ग्रेजुएट हैं, तो भी आप पत्रकारिता में PG डिप्लोमा या मास्टर्स कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन के दौरान आपने कम से कम 50% अंक हासिल किए हों। एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है, जिसे पास करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। अब जानते हैं कि आखिर पत्रकारिता की ये पढ़ाई कहां से करें। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC। यहां से आप ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले IIMC का हेडक्वार्टर JNU कैंपस दिल्ली में है, लेकिन IIMC की जम्मू, ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती और कोटायम में भी ब्रांच है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मैंने खुद दिल्ली के IIMC से हिंदी पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया था। IIMC देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और साथ ही एक बड़े संस्थान का नाम भी आपके करियर में मददगार साबित होता है। मेरी राय है कि अगर मुमकिन है तो ग्रेजुएशन के बाद आप IIMC से 1 साल का PG डिप्लोमा ज़रूर करें। IIMC के अलावा आप AJ किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अधीन है जो दिल्ली में है, वहाँ से आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एशियन
कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई से पढ़ सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का नोएडा में भी कैंपस है। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यहाँ से भी आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII ये पुणे में है, वहाँ से इस तरह के कोर्सेज होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BHU यानी वाराणसी से भी, यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पुणे यूनिवर्सिटी जो पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज ये कोलकाता में इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में, वहाँ से भी आप पत्रकारिता के अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी हिसार हरियाणा में है, यहाँ से भी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट दी जा रही है। ऊपर जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए हैं वो ज़्यादातर सरकारी संस्थान हैं, लेकिन वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई करना किसी प्राइवेट संस्थान से पढ़ने के बराबर ही है। यहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए काफ़ी महंगी फीस ली जाती है। जैसे IIMC में PG डिप्लोमा कोर्स के लिए 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं LSR से BJMC के लिए करीब 80,000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। FTII पुणे में करीब 1,25,000 रुपये चुकाने होंगे, तो जामिया से BJMC कोर्स के लिए करीब 90,000 रुपये की फ़ीस चुकानी होगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी करीब 1,00,000 रुपये में पत्रकारिता की डिग्री मिलती है। शिक्षा को लग्जरी आइटम बना देने वाली सरकारों ने दरअसल सरकारी संस्थानों में भी मीडिया जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भारी भरकम फीस लगा दी है। अमिटी जैसे प्राइवेट संस्थानों में यही कोर्स करीब 1,00,000 रुपए में होगा। इन्हीं ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में हॉस्टल की सुविधा भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे अलग से चुकाने होंगे। संस्थान की वेबसाइट से आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना होगा कि अभी तो सरकार चुनिंदा राष्ट्रीय संस्थानों की फ़ीस 1,00,000 रुपये बढ़ा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम कोर्सेज को इसी तरह महंगा कर दिया जाएगा और आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए पढ़ाई किसी सपने की तरह हो जाएगी। महंगी फीस सुनकर कहीं आपने पत्रकार बनने का अपना सपना छोड़ तो नहीं दिया, इरादा बदल तो नहीं लिया? ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आर्थिक तंगी को अपने सपनों के बीच में ना आने दें। जब आप कोशिश करते हैं तो कई रास्ते निकल जाते हैं, और इसी तरह का एक रास्ता है स्कॉलरशिप और फीस माफी का। उच्च शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती हैं, जैसे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC ST, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ईशानोदय, इस तरह की तमाम स्कॉलरशिप्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद स्कॉलरशिप की लिस्ट देखें और अपने काम की स्कीम के लिए अप्लाई करें। स्कॉलरशिप के अलावा आप इन संस्थानों में फीस माफ़ी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए फीस माफ़ी की भी सुविधा होती है, इसलिए घबराएं नहीं, बस कोशिश करें और अपने सपनों को पूरा ज़रूर करें। पत्रकारिता में पढ़ाई के बाद करियर की कई संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे आप किसी मीडिया संस्थान में रिपोर्टर बन सकते हैं, TV में एंकर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, असाइनमेंट डेस्क और पैनल प्रोड्यूसर की जॉब आप कर सकते हैं। अखबार में आप संपादन का काम कर सकते हैं, अखबार का पेज डिज़ाइन करना, रिपोर्टिंग करना, वो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं आकाशवाणी में न्यूज़ अनाउंसर या फिर प्राइवेट FM चैनलों में रेडियो जॉकी बन सकते हैं। डिजिटल जर्नलिज्म में भी अपार संभावनाएं हैं। आप कंटेंट क्रिएटर से लेकर SEO और प्राइवेट कंपनियों के PRO जैसे काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन और वीडियो एडिटर भी बन सकते हैं, फोटो पत्रकारिता कर सकते हैं, और अगर ये सब नहीं करना है तो फिर NET GRF क्वालिफाई करिए और एकेडमिक फील्ड में अपनी काबिलियत को साबित करिए। जाते जाते मैं आपसे एक बेहद ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मीडिया की चकाचौंध से प्रभावित हैं और सोचते हैं कि मीडिया में जाकर आप कोई क्रांति कर देंगे, तो मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। मीडिया भी बाकी उन तमाम इंडस्ट्रीज़ की तरह ही है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। ये खबरों का व्यापार है और व्यापारी नफे नुकसान के आगे कुछ नहीं सोचता। इसलिए आप इस इंडस्ट्री में बतौर प्रोफेशनल दाखिल हों और अपने काम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाएं। क्रांति तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरह से भारतीय मीडिया की साख गिरती जा रही है, उससे इस पेशे पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।
भारतीय मीडिया घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सत्ता की दलाली करने वाला फील्ड है। ऐसे में अगर आप वंचित तबके से आते हैं तो इन संस्थानों में आपको टिके रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इन संस्थानों में जाना चाहिए, मन लगाकर काम करना चाहिए, जितना काम सीख सकते हैं उतना सीखना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल बनके, एकदम तरीके से, और फिर उसे अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बस एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़रूरतमंद छात्रों को कुछ मदद मिल सके। शुक्रिया साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं।